नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल दंगल और आज आपके लिए लेके आया हूँ स्किनी गाइस कैसे अपने वेट को बढ़ाए, कैसे अपने साइज को बढ़ाए, कैसे वो तंदुरुस्त लगे, कैसे वो अच्छे दिखे। आपने इसकी वीडियो पहले देखी होगी, ये अपना छोटा भाई है लेकिन पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। फॉलो इसने खुद नहीं किया, वीडियो में था लेकिन फॉलो ही नहीं किया। तो सबसे बड़ी समस्या आप सभी की ये है कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलता है तो आप उसकी कदर नहीं करते। तो आज की वीडियो में इस वीडियो को सीरियसली देखना और इस वीडियो से सीखना और अप्लाई करना, सिर्फ ज़्यादा मत करना। आप एक बार 10 दिन का टारगेट लेके चलो, वैसे 21 दिन का टारगेट होता है, आप 10 दिन लेके चलो और 10 दिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना फॉलो अप करके देखो, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है, खाने की एपेटाइट प्रॉब्लम, भूख नहीं लगती है, दूसरा किलसते हैं, खाते हैं तो अच्छे से उसे हजम नहीं कर पाते, तीसरा माइंड डाइवर्ट रहता है इधर उधर। तो आज आपको मैं एक पूरा डाइट प्लान बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसके अकॉर्डिंग आपने बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं, 3,500 के आसपास कमेंट है। तो देखिए आज की वीडियो की क्या क्या खाना चाहिए। जो भी स्किनी गाइज ये वीडियो देख रहे हैं एक बात हमेशा गांठ बांध ले कि आपको सुबह उठते ही वार्म वाटर 1 से 1.5 ग्लास पीना है रेगुलर सुबह उठते ही। ये आपकी सबसे पहली प्रक्रिया होगी वेट बढ़ाने की। तो गाइज आपको जब भी वेट बढ़ाना है तो आपको एक बार अपनी रसोई में आना होगा और आपको 2-4 चीजें खानी, बनानी और देखनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहली चीज मैं बताऊं आपको, हमेशा आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो हैवी होना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट में अब जो डेली का फूड चाहिए ना, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। आपको चाहिए राइस, आपको चाहिए ओट्स, आपको चाहिए मिल्क, आपको चाहिए बनाना। ये मेन चीज है वेट बढ़ाने के लिए और ये सब घर में अवेलेबल होती है। अभी ये 40 रुपीस के दर्जन है, ठीक है। और राइस सबसे चीप है, ओट्स मुझे शायद याद नहीं, ये मेरे माई फिटनेस वाले हैं तो ये है। तो ये तो खाना ही खाना है। एक मैं आपको और तरीका बता सकता हूँ जिसमें आप थोड़ा सप्लीमेंट, वैसे मैं विदाउट, आप ये खाना है तो ये भी बताऊंगा और साथ में एक आप अगर ऐड कर लेंगे ना मात्र के खर्चे पे 1,050 रुपए के आसपास आपको 1.5 kg का एक वे प्रोटीन मिलेगा, मास गेनर मिलेगा। तो ये सारा फूड घर में अवेलेबल होता है, आपको ये तो खाना ही है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया आपको मास गेनर ऐड कर सकते हैं आप, जिससे आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि उसमें कार्ब भी है, ग्लूटामाइन भी है, सारी चीजें। अब उसकी मैं रेसिपी आपको बना देता हूं। 2 बार आपको वो लेना है और 4 बार ये फूड खाना है। उसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। वैसे अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसी खाने को एक मील में सर्विंग आपको बताऊंगा कैसे खाना है। इसी खाने को आप 3 से 4 बार खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे लेते हैं तो बहुत चीप प्राइस में है और बहुत इफेक्ट डालेगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को डाला है। तो आप देखिए मैं एक रेसिपी बनाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक मशीन ये रख ले आप यार, बहुत सस्ती आती है, कहीं से भी ले सकते हैं। ये वेट है और इसको कर देंगे हम 0। अब लेंगे ओट्स, क्योंकि ओट्स सबसे पहले 100 ग्राम ओट्स। अब इसको करेंगे सबसे पहले 0। अब इसमें मिलाएंगे हम, क्योंकि ये सूखा हुआ है तो सबसे पहले इसमें मिलाएंगे हम जैनित न्यूट्रिशन का 100% वेजिटेरियन मास गेनर, जिसकी 2 सर्विंग हम 2 स्कूप की सर्विंग देंगे। और इसके फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 2 स्कूप में आपको मिलेगा 75 ग्राम की सर्विंग और जिसमें आपको मिलेगा प्रोटीन लगभग 17 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट जो आपकी नीड है आपको गेन करना है 51 ग्राम, ये देखिए एल ग्लूटामिन और एंजाइम ब्लेंड है। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे इसमें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें डालेंगे 1 ग्लास मिल्क और थोड़ा सा वाटर, ताकि ये टाइट ना रहे। गिलास आप मिल्क का भी डाल सकते हैं ज्यादा, फिर वो हैवी हो जाएगा। अब हम इसमें लेंगे 2 बनाना, जो बनाएगा आपकी बॉडी को 4 गुना। शुरुआत करेंगे आप दिन की इस मास गेनिंग शेक से। और इस गेनर के अलावा आप कोई भी सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स भी है, फ्लेवर भी है टेस्ट के लिए।
तो इसमें है डबल रिच चॉकलेट का फ्लेवर, और आप इसको सीधा सिपर से भी पी सकते हैं और गिलास में भी। मैं जो बजट बता रहा हूँ ये बहुत कम है, बहुत आप कोई भी कर सकते हो। तो दूसरी मील राइस, ये सिंपल वाले राइस है, ये बासमती जो गांव में हमारे खेत में है वो है, तो आप इसको ले सकते हैं। और देखो हम काउंट करते हैं, लेकिन अगर आप स्किनी, आपको कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखें कि आपको जो 6 बार खाना खाना है, 2 बार तो आप ये शेक पीजिए, और 4 बार का जो खाना खाना है उसमें इतना खाओ कि आप उसे खा सको और वो डाइजेस्ट हो सके। दूसरी चीज, आप इसके साथ घर में राइस के साथ दाल ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, छोले, जो भी घर का खाना बनता है, और साथ में सलाद। अभी जब मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही चिकन खाता हूँ, तो मेरा चिकन बाहर से मंगा रहा हूँ फिलहाल। तो ये चिकन है, ये देखिए बॉइल्ड चिकन है, और आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चिकन खाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अफोर्ड कर सकते हैं। आप नहीं खा सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर में बनी हुई दाल, छोले, राजमा आप इसके साथ ऐड कीजिए, साथ में दही लीजिए, और थोड़ा थोड़ा करके इतने ही राइस करके अगर आप खाएंगे, ये 190 ग्राम है, जब मैं इतनी बड़ी 98-100 केजी का हो के और इतना मसल मास कैरी करके इतना खाता हूँ काब, तो आप भी खाएंगे तो आपको भी ग्रोथ मिलेगी। और जो शेक बनाया है उसको आप पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, 3 से 4 मील आपको डिवाइड करनी है, जिसमें आप सलाद, राइस, दाल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप शक्करकंदी ऐड कर सकते हैं या ओट्स भी ले सकते हैं दोबारा। तो ये चीज़ आपको करनी है। दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट ले लीजिए, जब तक आपका वर्कआउट प्रॉपर नहीं होगा, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, आपका रेस्ट प्रॉपर नहीं होगा, आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। मैं बता सकता हूँ, अगर देखिए होता क्या है ना कि मैं एक स्पेसिफिक बंदे को लेके आपकी डाइट बता दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस बात को यहाँ से समझिए, क्यों पर्सनल ट्रेनिंग लोग करते हैं, क्यों एक्सरसाइज लोग करते हैं, क्यों फीस देते हैं, वो इसीलिए कि मैन टू मैन वो टच में रहे, उनकी बॉडी के बारे में बता सके। तो ये मैंने सीखा है, क्योंकि एक ही डाइट सब पे एक जैसे काम नहीं करती। आप इसको 10 दिन ट्राई कीजिए, और ये खाना खुद से देखिए आपके घर में जो बनता है ना, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो। मैं बना लेता हूँ नॉन वेज, लेकिन बहुत सारे घरों में वेज बनता है, तो आप वेज का खाओ। और अगर आपको चीप वे में, क्योंकि हर इंडिया के हर घर में सबको मोटिवेशन, क्योंकि जब से मोबाइल और इंटरनेट पहुंचा है ना, सबको फिजिक चाहिए, सबको सोशल मीडिया चाहिए, तो हर एक आदमी मेहनत करने को राजी है, लेकिन पैसे नहीं है, फाइनेंस की कमी है। तो जैसे ये भी गांव में रहता है, तो इसे भी सिर्फ ये चाहिए कि सप्लीमेंट मिल जाए, लेकिन सप्लीमेंट से भी कुछ नहीं होगा जब तक ये तीनों चीज़ें साथ में, हेल्थी लाइफस्टाइल, वर्कआउट, रेस्ट और डाइट, ये प्रॉपर नहीं होगी। तो आपको अगर फिट होना है, ये सारी चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। साथ में आप ऐड कर सकते हैं जेनिथ का मास गेनर, जिससे आपको बहुत कम पैसे में, अगर मान लीजिए आपका 1 महीना चलेगा तो 1000 रुपये को आप 30 दिन से डिवाइड कर लें, आपकी एक सर्विंग आपका काम चला देगी। और आप अगर इसे 15 दिन यूज़ करेंगे तो आपकी 2 मील में ये काम आएगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा। तो आज की वीडियो का पर्पज़ मेरा यही था कि मैं देख रहा शाम को इसको ग्रोथ हुई है, लेकिन इसने प्रॉपर कुछ भी फॉलो नहीं किया है। आपको ग्रोथ जब भी मिलेगी, मैं अभी जिस कोच के अंडर ट्रेन कर रहा हूँ वो सिर्फ मुझे लिख के देते हैं, वो रिवील करूँगा जल्दी। मैं फॉलो करता हूँ, डेडली फॉलो करता हूँ, बिकॉज मैं उन्हें पे करता हूँ, और मुझे हमेशा ये रहता है कि मेरी बॉडी नेक्स्ट लेवल पर इम्प्रूव करे। तो आपको करना है तो आपको ही करना पड़ेगा। फ्रेश होते हो तो कोई आपके भटके का तो नहीं जाता ना। और अगर आपको जेनिथ न्यूट्रिशन का ये मास गेनर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, 100% वेजिटेरियन, और आपके लिए, क्योंकि मैंने पहले 1 साल पहले वीडियो की थी, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिव्यू मांगा था, तो मैं बता रहा हूँ आप ले सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा, और चीप एंड बेस्ट एंड इफेक्टिव प्राइस में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपकी मर्जी है। और आपको क्वेरीज डाइट के बारे में अगर रही है, तो कुछ डाउट रहा है, तो मैं आपके लिए प्रॉपर कैलरी का डाइट प्लान बनाऊंगा, लेकिन वो हर एक आदमी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खुद से रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में आप जानते हैं। बहुत सारे लोगों को मिल्क नहीं पसता है, बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पसता है, तो आप देखिए, जानिए, समझिए अपने आप को और बॉडी बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।